कांदला थाना क्षेत्र के गांव सुन्ना में दो लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। मृतकों के परिजनों में दो लोगों की मौत को लेकर गहरा शोक व्याप्त है। थाना क्षेत्र के गांव सुन्ना में पिछले कई वर्षों से अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके चलते जहरीली शराब का सेवन करने से अब तक आधा दर्जन से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों के हंगामे करने के बाद भी प्रशासन अवैध शराब को रोक पाने में नाकाम साबित हुआ है, जिसके चलते दो ग्रामीणों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर गांव में बिक रही अवैध शराब का विरोध किया। मृतक के परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के गमगीन माहौल में दाह संस्कार कर दिया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। जी, उनकी सौ दारू पी का मौत हुई। दारू पी का मैं उसकी छोटी भाभी हूँ, मेरा जेठ है, उसका भैया और उसका लड़का लेकर जा रहे हैं अस्पताल में शामली। रात ज्यादा हालत खराब है उसकी दारू पी के। दारू कहाँ से आई थी? दारू गाँव में से आई थी जी। यहाँ पर ठेका है या कोई? ठेका नहीं आया जी, चोरी से दारू बेचा है यहाँ पर, बिक्री चोरी से दारू। इससे दो तीन होली जी का शराब किस तरीके से होली है? ये शराब बिकेगा गाँव में कम से कम जहरीली शराब है, कम से कम 15-20 साल से बिक रही। अच्छा। जी तो क्या आश्वासन मिला? अबे पकड़ ले जा, या कूद का भाग जा, शराब भी पकड़ी जा उनकी। अच्छा। भाज गए थे, शराब पकड़ी गई थी, चार प्लास्टिक के चार कट्टे भरे थे। तो जैसे ग्रामीणों की दो मौत हुई है, इसके लिए ग्रामीण क्या सबक ले रहे? प्रधान जी आप क्या सबक लोगे? ग्रामीण तो ये चाह रहे हैं गांव में शराब बिकनी बिल्कुल बंद हो जाए। आपके स्तर से कोई कार्रवाई, ग्रामीणों के स्तर से कोई कार्रवाई जैसा आपने बताया? मतलब गांव वाले तो इस बात से चाह रहे हैं गांव में शराब ना बिके। रिपोर्ट आता है जैसा होता है उस पर कार्रवाई की जाती है। सर ग्रामीणों का आरोप भी है कि पुलिस को सूचना दी जाती है लेकिन पुलिस पैसे ले देगा, दफा दफा कर देती है। पहले भी यहाँ पर दबिश डालकर पहले भी बैठ बंद किए गए हैं, पकड़े गए हैं, और जैसे भी सूचना मिलती है उस पर दबिश पड़ते हैं और बंद किए जाते हैं। सर मृतक परिजनों की कुछ सहायता मिलेगी प्रशासन की ओर से? उसको देखा जा रहा है कि जो नियम कानून के तहत होगा उसको सहायता मिलेगी।